इनके लब रंगी मिठावर के जिसने माह नूर हैं उड़ीसा से। इनका सवाल ये है कि हमारे यहाँ शादियों में मांग भरने की एक रस्म होती है, संदल से मांग भरी जाती है, क्या ये जायज़ है? क्योंकि गैर कौम के मुशाबियत है, वो लोग सिंदूर से भरते और हम संदल से। तो उड़ीसा में मेरा ख्याल से सब जगह तो शायद ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ स्टेट में ऐसा ज़रूर है कि वहाँ पर मांग भरने का जो है ना रिवाज है और ये संदल से शादियों में भरी जाती है। असल तो शादी वगैरह के अंदर ऐसा कोई रूल या नियम या निकाह के अंदर कोई चीज़ रुकावट ऐसी नहीं है, तो इससे जो है ना परहेज़ करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। बाकी आपके उर्फ़ के हिसाब से वहाँ के उलमा से एक मर्तबा इस मसले पे मालूम करें, क्योंकि निकाह पढ़ाने के लिए आलिम दीन आते होंगे, तो चाहिए कि वहाँ वाले उलमा से रब्ता करें, या इस तरीके की अगर वहाँ तंजीमें जो बनी हुई होती हैं उनको चाहिए कि वो आइम्मा इकराम को वहाँ इस हालात से आगाह, वो होंगे भी आगाह करें कि उनको इस मामले में जो है ना आवाम को आगाही करा दें। जुमे के दिन या ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं कि जहाँ उलमा बयान वगैरह करते हैं, तो जहाँ उर्फ़ में ऐसी कोई चीज़ चालू हो गई है जो ख़िलाफ़ शरीयत है, तो उसको जो है ना बंद कराने के एतबार से वहाँ के उलमा की एक ज़िम्मेदारी हो जाती है कि उनको चाहिए कि अपनी ताकत और कोशिश के हिसाब से वहाँ जिस तरह हो इस गलत रस्म को जो है ना ख़त्म किया जाए। बाकी अगर ये कोई रस्म है कि भाई संदल से मांग भरेंगे, तो इसमें कोई निकाह पर तो फ़र्क नहीं आएगा, और इसके करने से भी कोई निकाह के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा कि निकाह इसके बगैर नहीं हो सकता। बाकी इस रस्म को करना नहीं चाहिए, क्योंकि वाकई ये गैर कौम से मुशाबियत ही है, और हदीस पाक के अंदर ऐसा करने वालों के यानी ऐसा करने वालों को हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो जहन्नम की वईद सुनाई है, तो इससे ज़रूर बचना चाहिए। बाकी अगर कोई नहीं करवाता, कोई ज़रूरी नहीं है मना कर दें निकाह के अंदर ऐसे मामलात को करने के लिए, अपनी ताकत के मुताबिक मना करें। इस किस्म के मुशाबियत वाले किस्म की जो शॉर्ट क्लिप वगैरह होती हैं, तहरीरी उलमा की जो रिटर्न के अंदर आंसर वगैरह होते हैं, तो उनको भी आप सोशल मीडिया वगैरह पर शेयर कर सकते हैं कि निकाह के अंदर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको अदा किया जाए। बाकी मांग भरना कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं कि जिसके बगैर निकाह नहीं हो सकता। बाकी वहाँ के आप उलमा से रुजू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो मुफस्सल जवाब दे देंगे अपने उर्फ के एतबार से। पुरनवा